काटजू साहब कभी भी जावरा आते तो अपनी कार गैरेज में बंद कर देते थे और पैदल घूमते थे। मैं अपने नगर के अंदर, अपने शहर में कार में नहीं घूम सकता। उसके अलावा जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, कई बार हम बैठे होते टाट पट्टी पर और आगे डेस्क पर, तो पीछे मुड़कर देखते तो कैलाशनाथ काटजू बैठे, भारत के गृह मंत्री बैठे। हम डर जाते, मास्टर कहते चुप रहिए। बाद में वो चले जाते तो मास्टर कहते कि अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आते हैं। ये थे कैलाशनाथ काटजू, इतने सहज और इतने ही सीधे और इतने ईमानदार। ईमानदारी की मैंने आपको एक बात बता ही दी है, उसके अलावा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को या किसी भी मुख्यमंत्री को उस जमाने में 250 रुपए भत्ता मिलता था। काटजू साहब वो नहीं लेते थे। काटजू साहब हर तीसरे महीने अलाहाबाद से 1000 रुपए का ड्राफ्ट मंगवाकर अपने पर्सनल खर्चों पे रखते थे। वो सरकार से एक पैसा नहीं लेते थे। एक किस्सा, जस्टिस जे एस वर्मा का नाम आपने सुना है, जो भारत के चीफ जस्टिस रहे। हम उनसे मिलने गए और हमने उनसे गुजारिश की कि हम डॉक्टर काटजू की याद में एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसके हम उसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कहने लगे, आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं नया नया वकालत करके अलाहाबाद से सतना में आया। सतना में मेरे पिताजी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे रेलवे में। रेलवे के क्वार्टर छोटे होते हैं, दो कमरे का मकान था। मैंने एक कमरे में अपनी कुछ किताबें और टेबल रख लिया और वहां पे वकालत चालू कर दी। एक दिन रात के टाइम 8 बजे के करीब मेरे घर के सामने एक जीप और एक कार रुकी और एसपी महोदय आए। कहने लगे, डॉक्टर काटजू आपसे मिलने आए हैं। वो घबरा गए। कहने लगे, डॉक्टर काटजू को तो मैं जानता ही नहीं हूं, वो मेरे से मिलने कैसे आए। वो घर में आ गए, छोटे से कमरे में बैठ गए। भाई तुम नए वकील हो? कहां से पास किया? अलाहाबाद से किया है। यहां पे ये बताओ, कोर्ट में कोई तकलीफ? कोर्ट में लाइब्रेरी कैसी है? कोर्ट में फर्नीचर कैसा है? कोर्ट में सुविधाएं कैसी हैं? एक घंटे तक जस्टिस जे एस वर्मा, जो बाद में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने बताया, वो चर्चा करते रहे। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा वकील और देश का लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहा हुआ और मुख्यमंत्री उसके एक छोटे से कमरे में आ गया। एक घंटे बाद वो चले गए और कुछ दिनों बाद उनके कोर्ट के अंदर जो जो उन्होंने बातें बताई थी, वो सुविधाएं सब उपलब्ध हो गई। एक और वाक्य, अर्जुन सिंह जी कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने। हम उनसे मिलने गए, हम उनको बताया कि डॉक्टर काटजू ट्रस्ट बनाया है, उसमें आपको आना है। कहने लगे, तुम कब से जानते हो काटजू साहब को? हमने कहा, हम पैदाइश से जानते हैं। कहने लगे, आपको बताऊं, मैं कांग्रेस में काटजू साहब के कारण हूं। हमने कहा, सर कैसे? कहने लगे, मैं नौजवान था, चुरहट से मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया। काटजू साहब मुख्यमंत्री बन के आ गए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, नौजवान तुम इधर आओ, तुम कौन सी पार्टी के? उनका कि मैं निर्दलीय हूं। निर्दलीय तुम क्या कर लोगे, देश का क्या भला करोगे? ये कांग्रेस का फॉर्म लो और भरो। उन्होंने मुझे कांग्रेस का। आप आजादी की लड़ाई के अंदर जिस प्रकार गोविंद वल्लभ पंत ने जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए अपनी गर्दन को आगे कर दिया था और जिंदगी भर उनकी गर्दन हिलती रहती थी, काटजू साहब को गोली लगते लगते बची, उनके कान फट गया, उनका पर्दा फट गया, उनको सुनाई देना बंद हो गया, तो मशीन लगाते थे। तो काटजू साहब कई बार जब अपोजिशन वाले विधानसभा के अंदर बहुत चिल्लाते और शोर मचाते तो काटजू साहब अपनी मशीन निकाल देते थे, कहेंगे तुम चिल्लाओ। तो काटजू साहब, ये भी एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं सुना रहा हूं। कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 31 जनवरी 1957 को और 11 मार्च 1962 तक इस पद पर रहे।
वो भारत के सबसे प्रमुख वकीलों में से एक थे। यह अपने समय के कुछ सबसे उल्लेखनीय मामलों का हिस्सा थे, जिसमें सबसे मशहूर केस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल INA की ट्रायल भी शामिल थी। उस ट्रायल में सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू जिन्होंने पूरी ब्रीफ तैयार की थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 25 वर्ष बाद काला कोट पहना था। काटजू साहब जल्दी ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और अपनी गतिविधियों के लिए साथी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं के साथ कई साल जेल में बिताए। आप भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीवन साथी रूप में रहे और आपकी पत्नी का नाम किशोरी रूप किशोरी था। आपके 3 बेटे हुए, शिवनाथ काटजू, रामजी काटजू और ब्रह्मानंद काटजू, और आपकी 2 बेटियां हुई। आपके बड़े बेटे शिवनाथ काटजू के बेटे जो पिछले कुछ वर्षों पहले जस्टिस मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, आपके ग्रैंडसन है। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने जेल में रहकर भी और बाहर भी कई किताबें लिखी, जैसे वकालत में प्रयोग, न्याय के न्यायालयों में एक बादशाह, दिन याद आते हैं, वकालत में यादें और प्रयोग, उन्होंने ऐसे कई लेख भी लिखे और कई यादगार भाषण भी दिए। डॉक्टर काटजू नेशनल हेरल्ड के संस्थापक भी रहे, वह एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के संस्थापकों में से एक थे और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 7 मूल ग्राहकों में से एक थे, जिसने नेशनल हेरल्ड और 2 अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन चालू किया था। सन 1914 में कैलाशनाथ काटजू हाईकोर्ट बार के सदस्य बने। 1935 से 1937 तक वे इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे। वे हमेशा कहते थे कि किसी को भी राजनीति में आना हो तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लो, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लो, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लो, तब आप बहुत बेहतरीन नेता बने। ये थी काटजू साहब की सीख उन नेताओं के लिए जो आज ऊपर से छतरी से डायरेक्ट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। काटजू साहब के भूलने के किस्से भी काबिले जिक्र हैं। एक बार काटजू साहब छतरपुर के दौरे पर थे, वहां उनकी सरकार में एक उपमंत्री दशरथ जैन एक प्रतिनिधि मंडल लेकर सर्किट हाउस में मुलाकात के लिए पहुंचे। दशरथ जी ने मुख्यमंत्री का सबसे परिचय करवाया। आखिरी में काटजू ने दशरथ से ही पूछ लिया कि आप कौन हैं। मंत्री जी का जवाब आया, डॉक्टर साहब मैं दशरथ जैन। फिर काटजू जो बोले उसे जैन साहब के तो काटो तो खून नहीं। मुख्यमंत्री बोले, एक दशरथ जैन तो हमारे मंत्रिमंडल में भी है। दशरथ जैन बोले, जी मैं वही तो हूं। कैलाशनाथ काटजू ने मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन पर पकड़ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो कहते थे, भाई देखो कांग्रेस अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन ये रवैया उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं रहा। जब काटजू साहब CM बने तो तभी संगठन में भी एक आदमी की शीर्ष पर पारी शुरू हो चुकी थी। काटजू नियुक्ति के रास्ते और थे और वह चुनाव के जरिए इंदौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव की तैयारी शुरू कर रहा था।
और उसका नाम था देश लहरा, जो महाकौशल का एक बहुत बड़ा नेता था। इसने दो खेमों को बांट दिया, एक उनका, दूसरे में तखतमल जैन, सेठ गोविंद दास और डीपी मिश्रा, और खुद काटजू गुट के लोग भी उस सब में 5 साल तक शामिल हो गए। 1962 के चुनाव आए, काटजू पूरे सूबे में प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान एक सभा हुई, रीवा में नेहरू जी आए थे और मंच पर पंडित जी भाषण दे रहे थे, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी उनके सुरक्षा अधिकारी ने एक तार उनके हाथ में थमा दिया, उसमें लिखा था फौरन जावराज पहुंच जाइए, मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी पैदाइश जावरा हुई थी, विधानसभा क्षेत्र उनका जावरा था, और जब उन्होंने ये तार देखा तो हक्के बक्के हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए तो उन्होंने तार उनको थमा दिया। पंडित जी आग बुलबुला हो गए, कहने की ये क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू को आपने कहा हम चुनाव हार रहे हैं, मैं स्वयं भी हार रहा हूं। पंडित जी ने कहा चलो मैं चलता हूं जावरा तुम्हारे लिए कैंपेन करने। कैलाशनाथ काटजू ने कहा यह मेरे लिए सबसे शर्मनाक बात होगी, मेरे घर में जवाहरलाल नेहरू कहने आएगा कि कैलाशनाथ को वोट दो। नहीं, उन्होंने जवाहरलाल जी को जावरा नहीं आने दिया, और उसका हश्र यह हुआ कि कैलाशनाथ काटजू 1400 वोटों से हार गए। भारत के इतिहास में 1962 का वो चुनाव जिसमें सीट पर रहते हुए देश का कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, ये पहला हादसा था। आज के एपिसोड में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के ऊपर हमने काफी बातें बताई, कई बातें बाकी हैं जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।